नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गढ़त में मैं ऋषभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आ पहुंचे हैं इमलिया नामक ग्राम में। बीजेपी को बने हुए लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने इन 4.5 वर्षों में कितना कार्य किया है, इस बारे में इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए मिलते हैं यहाँ के लोग। आप बीजेपी के इन 4.5 वर्षों से कितना खुश हैं? हम तो पूरे खुश हैं। आपका नाम? कारण है बता रहे हम इतना खुश हैं कि कुछ दिन और चले तो हम इमलिया गांव छोड़ के भाग जाएंगे, यहाँ से जाना पड़ेगा हम जैसे लोगों को। आपका नाम? अशोक। क्योंकि लाइट की परेशानी, लाइट से जो दूने चौड़े बिल है तो बिल काटा जा रहा, न दोस्त दिया है न काटा जा रहा कनेक्शन। और ऐसे कहा जमीन के संबंध में जमीन जो आ रहा है, जो गरीब होता है उसकी जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं, धीरे बांटते हुए अलग से कोई सुंदर जाए थाने चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ, जो जीत के नेता है वही सब कुछ मुहैया चाहे जो करे तो वो कर देते हैं। बीजेपी की 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आपका सभी चीज से परेशान है, लाइट से परेशान है, परेशान है हर चीज से परेशान। आपकी क्या समस्या है? आज सब बढ़ गया है। आपको कोई परेशानी बीजेपी से? नहीं। आपकी समस्या? हमारी है परेशानी जी, बताइए जी। परेशानी है कि हमने 2 साल हो गए, 2 साल से कम 10-50 बार तो हो गया है अपने कागज जमा कर करके सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है हमारे लिए। वो कम से कम 50 बार तो हमने फार्म लेटरिंग होकर भर चुके हैं लेकिन कोई हमारा लेटरिंग की सुनवाई नहीं है। हमारे छोटे छोटे 5-6 बच्चे कहाँ जाएंगे, खेतों में जगह नहीं है लेटरिंग करने के लिए, बताइए अब क्या करें। हर चीज़ से मजा मेहनत मजदूरी करके अगर 10-50 कमा के अपने कुछ चलाए ना चाहे तो पैसा भाई व्यर्थ में खर्च हो जाता है कि हमारे सिलेंडर को दौड़ रहे हैं, राशन कार्ड को दौड़ रहे हैं, कहीं इसमें जी है और कुछ नहीं है। आपका नाम? विनोद कुमार दुबे। आपकी क्या क्या समस्या है? भाई समस्या ये है कि सब प्रधान ने रात से आज रात में नल आए हो, एक महीना हो गया कोई नल नहीं आए। और दूसरी बात, तमाम कचरा घर वो बनवा दिए लेकिन इस मोहल्ले में कचरा घर का नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। आपको आपकी गंदगी को लेकर समस्या है? यहाँ पर कचरा घर वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं है। आपका नाम? बलराम। बलराम जी, आपकी क्या समस्या है? बढ़िया है। आपका नाम? आपकी क्या क्या समस्या है? मैं कुछ समस्या नहीं जी। बीजेपी सरकार को 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जानते हैं कि और लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, इन 4.5 वर्षों में क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, यह हम जानते हैं। चाचा आप बताइए 4.5 वर्षों में क्या क्या समस्याएं हैं हुई हैं आपको, या क्या क्या कार्य हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि सब लोग सुकून से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विकास जो है बड़े कार्य से चल रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है, किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है आपको? पर्सनल आप कुछ नहीं कह सकता लेकिन दिक्कत बहुत लोगों को है। दो घंटे लाइट जलाते हैं, एक बल्ब केवल वो खाना का 10,000 बोल कह चुके हम पहले, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है, लेटरिंग की सुनवाई नहीं है, किसी को सिलेंडर की साल भर से परेशान हुआ कि इसको काट दिया जाए या दूसरे की सही किया जाए, ना काटा जा रहा है उन्हें सही किया जा रहा है। फायदा हो गई है तो उसमें ये है कि बस मैंने कह दिया कि अच्छा है तो अच्छा ही है बस, फिर आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है इस दुनिया में। और ऐसे जमीन जायदाद की जमीन जायदाद कब्जा कर रहे, मार रहे, पीट रहे, कोई नहीं सुन रहा। जमीन अपनी अपनी बातें हो रही है तो कोई बात हो रही है, जो गरीब होता है उसकी कोई नहीं सुन रहा है, जो सक्षम में पार्टी में लगा हुआ सक्षम में वो सब जो कुछ करे और यहाँ से बोल लो हमारा सब कर देते वो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं कर रहे कब्जा, कोई चीज की दिक्कत हो रही है, कोई चीज की परेशानी नहीं हो रही। तुम्हें हाई कोर्ट जो तो मन हो रहा साढ़े 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपके विधायक जी आपके क्षेत्र में कितनी बार आए हैं? एक बार नहीं, हमें कभी नहीं देते, हम तो वहीं गए थे तुमसे बताया कल मैं तो इसे थाने फोन कर दूंगी, थाने कहाँ फोन करोगे तुम तो देख नहीं रहे तुम। आपके विधायक जी आपके क्षेत्र में कितनी बार आए हैं? हमारे क्षेत्र में 4 बार हो गए, सैकड़ों बार विधायक बना नहीं है। ईमानदारी बात ये है कोई भी आदमी व्यक्ति चला जाए उसकी हर समस्या सुनते हो, तुरंत फोन लगाते हैं समस्या के लिए समाधान के लिए। आपके विधायक जी क्षेत्र में आते हैं? आते हैं, बराबर आते हैं। आप लोगों की समस्याओं पर गौर किया जा रहा है? देखो ऐसा है, हम घर पे लेटे रहे और बैठे रहे तो कहाँ से गौर होगा।
जी आप बताइए। हमारे पास तो कागज है कि पूरे यहाँ से वहाँ दिल्ली तक भेजे कागज लखनऊ तक, लेकिन आपकी समस्या ऊपर गौर नहीं किया जा रहा। आप विधायक जी के पास गए हैं? विधायक जी के पास गए, जी आप बताइए। यहाँ के नेताओं ने सफाई कर दी, नहीं कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है, बस आन सुनी चाहिए। आप बताइए। बोलिए बस हमारी भी समस्या है, एक लेटरिंग की समस्या और सिलेंडर की समस्या, कितनी बार जाएंगे? सफाई करने वाला है और सफाई करने वाला नहीं आ रहा। तो बनने की हमें कमीशन मिल जाएगा तो हम जब सिलेंडर दिलवाएंगे, ऐसा होता है। विधायक जी आपके क्षेत्र में आए हैं? आए हैं, एक बार आए थे बस। आप बताइए। आए हैं, आए बिल्कुल आते हैं, चार साल से नहीं। आप बताइए आपका नाम? बलराम। विधायक जी आए हैं? हाँ सर आते हैं। विधायक जी बेस हमारे रहते हैं कुल मिला के, बस बिनी पे चलता है जो मैंने पूरी होना कह देना, बिनी की मान लेने। अब जैसे तीन महीना में अगर तीस किलो गेहूँ दे दिया तो 30 किलो गेहूँ में क्या वो 8-10 बच्चे हैं उसके परिवार चल जाएगा 30 किलो गेहूँ में? 200 रुपये किलो तेल दे रहे हैंगे, हर चीज़ बढ़ा बढ़ा के दे रहे, कानों का करेगा आदमी बताइए। आप तेल में से निचोड़ के माछी को फेंक दे रहा है, अब जनता क्या करेगी बताओ? एक वर्ष से कृषि कानून लगा हुआ था और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह कानून वापस ले लिया है। आप बताइए, एक वर्ष से जो कृषि कानून लगा हुआ था चाचा, एक वर्ष से जो कृषि कानून लगा हुआ था वह अब हटा दिया गया है, यह एक उपलब्धि है सरकार की? नहीं, इसमें कोई उपलब्धि की बात तो कोई नहीं है। जो लोग हैं तो ठीक है, अपना हम लोगों को ना परेशानी पहले थी और ना आज है। हम लोग खुली मार्केट में अभी भी बेचते हैं और पहले बेचते थे, लाल लोग बैठे थे और आज भी बेच रहे हैं। हम आज तक कभी MSP पे गेहूं डाला ही नहीं जी है। आप MSP पर ना बेचकर, किसान है, बड़े किसान तो हमें है नहीं। अब 20 बोरे लेके तुम्हें MSP के वहां पे जाओ तो 4 दिन खा रहना पड़ता है, 4 दिन किसी को फुर्सत नहीं होती। तो हम लोगों को ना नुकसान है और ना पहले था ना आज। तो बॉर्डर पे तो दलाल बैठे थे यार भैया, उन्हें किसान था कौन ये बताओ? एक भी किसान बता देंगे भी किसान था बॉर्डर पे? प्रॉब्लम नहीं, पूरे दलाल बैठे थे वहाँ, उनकी अपनी दुकान चला रहे थे वहाँ बैठ के। आप कृषि कानून हटने से खुश हैं? हाँ, हट है वो, खुश है वो, नहीं है पहले भी खुश थे वो, अभी भी खुश हैं। ये तो सरकार का निर्णय है, ले वो लेना था वो सही है, और नहीं लेते तो वो भी बढ़िया था, फायदा थी कृषि कानून से। आपको फायदा था? नहीं था, हाँ, 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 था। क्या अभी तो ये होता था कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जा सकते थे, लेकिन अब नहीं जा पा नहीं जी। आप बताइए कृषि कानून से क्या आपको फायदा था या नुकसान? फायदा था सर, फायदा था कृषि कानून से। आप बताइए कृषि कानून से फायदा था या नुकसान? फायदा। कृषि कानून हटाया गया तो यह अच्छा हुआ या बुरा? बुरा हुआ, बुरा हुआ जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कृषि कानून हटाने से यहाँ के लोगों को लगता है कि यह एक बुरी चीज है और इसको लगा रहने देना चाहिए था। कृषि कानून महंगाई के विषय में चर्चा करते हैं, आइए जी। आप बताइए ये जो महंगाई है उसके विषय में आपको कुछ कहना है? नहीं सरकार, महंगाई तो है, किसान पे और आम आदमी पे बोझ तो है। मैं डीजल बहुत महंगा है, इसमें सरकार को थोड़ा बहुत और कम करना चाहिए। डीजल की समस्या है, डीजल और पेट्रोल से ज्यादा मारा मारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम चीज है किसान के लिए डीजल। अगर डीजल महंगा होगा तो उसकी सारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। महंगाई के विषय में आपका क्या कहना है? महंगाई तो है, जाना है महंगाई, इसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। हर आदमी परेशान है, जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर तक आदमी परेशान है। इसमें मीडियम आदमी तो पूरी तरह से फंसा है इसमें महंगाई की वजह से। महंगाई के विषय में आपका क्या कहना है? आपका नाम चाचा? राजेंद्र कुमार भार्गव। आपका महंगाई के विषय में क्या कहना है? महंगाई के में नहीं कहना, हमारे गांव में सफाई कर्मी नहीं आया जब से पंचायत का चुनाव हुआ है जी। कभी भी झाड़ू लगाने नहीं आया है और कचड़े के ढेर पड़े, पूरी नाली चौक पड़ी है। क्या आपके विधायक आपकी सुनते हैं? हमारी विधायक सुनते हैं, सांसद जी से सब सुनते हैं, मगर हम कानून के अंदर नहीं सुनते कुछ जी। सुनते साहब हैं, मगर सफाई कर्मी सामने आया जब बात सुना पाए। क्या आप शिकायत लेके आए विधायक के, विधायक जी के पास? नहीं करते हम, कोई शिकायत नहीं करती है, आज तक नहीं की हमने शिकायत किसी से। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको विधायक जी से शिकायत करना चाहिए थी? नहीं, जब तक आप गांव को पंचायत को मतलब नहीं है, गांव मतलब वाले से विधायक को क्या पड़ी यहाँ की? जब पंचायत का मैटर है, पंचायत में सफाई कर्मी है नियुक्त है, 27,000 रुपए वेतन पा रहा, 2-4-5 हज़ार होता था बांट देता पूरे महीने अपने घर सोरा झांसी का सफाई कर्मी। पंचायत में आपकी नहीं सुनी जाती? पंचायत में नहीं सुनी जाती,
पंचायत में आपका इस विषय पर क्या कहना है? पंचायत में आपकी सुनी जाती है या नहीं? नहीं सुनी जाती है जी। पंचायत में ऐसा भी होता है कि मतलब के आदमियों से सुनी जाती है बस, और किसी की नहीं सुनी जाती। वोट चाहे कोई देते रहे लेकिन अपने हिसाब से दिए बोला जाता है, पूछा जाता है कि जी क्या है क्या नहीं है, देख मतलब से जो काम चल रहे हैं अपना उन्हीं को पूछे जाते हैं। अभी वे महंगाई के बारे में बात कर रहे थे, हमने कही लेकिन फिर हमने वही बात कही महंगाई की, क्या डीजल पेट्रोल खाने का तो सोच रहा है डीजल पेट्रोल का, लेकिन खाने की भी नहीं कह रहा कि हाँ खाने की भी चीजें बढ़ रही है, तो ऐसा ही डीजल हर चीज पे भी महंगाई है। ऐसी कोनो चीज वस्तु नहीं है कि उस पे महंगाई ना हो, हर जगह से महंगाई से परेशान है। आपका क्या कहना है चाचा? आपका नाम? मेरा नाम है पीएन शर्मा। पीएन शर्मा जी, एक ही बात कहना चाहता, मेरा घर भी सामने है, मेरी लेटरिन बाथरूम बताओ कहाँ पे बनी। सरकार वादा करती है घर घर शौचालय, घर घर, अभी पूछो तो यहाँ पर जो सरकार ने वादा किया था घर घर शौचालय वो नहीं, तो देख लो ना आप तो 24 वाले हो ना जी, तो आप जो बात रखो माँ मीडिया में पेपर में निकलवाओ, कहीं मीडिया में देख लो किसके पास बनी। हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे, हम तो एक हकीकत बात बता रहे। मेरी एज कितनी है मैं आपको पूछ रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं बन सकती क्या? फिर क्यों नहीं बनी? हम सोबार जाए यहाँ से, जितनी पेंशन नहीं मिलती ना उतना भाड़ा लग जाता है, सरकार को नहीं मालूम। आप लोगों की पेंशन की समस्या है, आप लोगों की समस्या है सफाई को लेकर है जी। हमने घर घर बनवा दिए, मान के चलो मिल गया, मुझे देख लो किसका बना, और कोई बात नहीं। रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या आपको लगता है कि रोजगार की समस्या का समाधान हुआ है या नहीं? वही रोजगार का समाधान हो रही और नहीं हो रही, पूरी बात ये है। गाँव में क्या रोजगार? क्या रोजगार है गाँव में? कुछ रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है गांव में, नई स्कीम कौन नहीं है गांव में? हाँ, आज तक कोई स्कीम नहीं आती है, जो बात सही है, क्या रोजगार है गांव में? हाँ, जो काम पहले कर रहे थे वो आज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। कृषि के विषय में हम और जानकारी लेते हैं और जानते हैं, आप बताइए कृषि के विषय में क्या यहाँ पर उपलब्धियाँ हुई है या क्या क्या विकास हुए हैं कृषि को लेकर? जो पहले विकास हो रहा था सब आज हो रहा, सुनवाई से वही विकास, खेती किसानों को खेती करना भाई, कृषि में फसल पैदा करना और बेचना है। जब से तो ना कृषि बढ़ गई और नई फसल कौन उदय गवर्नमेंट ने कहा लगाओ, कृषि तो भाई है, गेहूँ चावल हाल चाल सब भी चल रही है, फसल तो चल। कृषि विभाग में जी हो गया है कि अभी तक औरतें खाद लेने के लिए लाइन नहीं लगी थी, लेकिन अब की वर्ष में औरतों को लाइन लगाने पड़ी है, कृषि विभाग में जी हो गया है। खाद की समस्या है आपकी? हाँ, की समस्या है। अब यूरिया चाहिए, अब यूरिया नहीं है, राजापुर में हर चीज की समस्या है, अभी तक लेडी से नहीं गई, लेडी से धक्का खा रही, बीच आदमी ने चिपट रहे, आदमी जबरदस्ती धक्के दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि खाद की समस्या है? हाँ, खाद की समस्या है, अब वो किसी वजह से ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ खाद की समस्या आज इस साल बहुत, हालांकि खाद मिला लेकिन मुश्किलों से मिला, आदमी को मिला खाद लेकिन बड़ी दिक्कत। और हमारे इधर सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की, जिस पे किसी गवर्नमेंट ने आज तक गौर ही नहीं किया, अब वो सिंचाई की समस्या है आपकी। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है इधर सिंचाई की, यहाँ पानी है नहीं, 75 जानवर, आदमी अब 4 महीने घर पे नहीं आएगा, कुएं पे रहेगा, और जिस दिन घर पे आ गया उस दिन सफाई हो जाएगी। छोटा जानवर, दो चीजें हैं सबसे बड़ी समस्या, छोटा जानवर और अन्ना जानवर, अन्ना, हाँ वही अन्ना जानवर, छोटा जानवर अन्ना जानवर, और ये पानी, पानी है ही नहीं है, पानी नहीं है, खेती है यहाँ, किसी का आता है किसी का नहीं आता है, किसी को दो पानी लगते हैं, किसी फसल को किसी को तीन लग जाते हैं, ये है पानी की समस्या है। आप बताइए आपका नाम? रामदेवी। आपकी क्या क्या समस्या है? ये समस्या है कि बिल्ली तक कहाँ, हम एक बल्ब जलाते हैं और कहाँ भरेंगे, कहाँ भरेंगे बताओ, गरीब जी। आपको महंगाई को लेकर समस्या है, बिजली के बिल को लेकर समस्या है, और बिजली को बिल को समस्या है, पानी नहीं है। चाची आप बताइए आपकी क्या समस्या है? जी लाइट की है, और का वो लाइट की पानी की सबकी है, बिल आ रहा है, क्या आप इस सरकार से खुश हैं?
खसका है जब बिल आ रहा है तो खाना दे, गरीब आदमी मजदूर आदमी खान से दे, बता बूढ़े आदमी। आपको क्या लगता है सरकार ने कितने काम किए हैं? हमें काम वालों कितने किया है? नरेगा को काम आओ तो करते पैसा ही नहीं दिए, यही पैसा नहीं मिला पापा तो कहीं अभी आई नहीं है, अब आए अगले महीना में आए, अगले हफ्ता में आ लियो। कभी डरी थी नलवा में खंडी, जब से अभी नहीं मिले हमारे घर का मिले ही नहीं है, यही नहीं है। किसान आए दिन आत्महत्या करते हैं, तो आइए जानते हैं यह क्या कारण है जिससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप बताइए। किसान ने किसी ने नहीं किए, जो बीमारी से मर जाता है किसान उसे खेत में रख के कह देते हैं आत्महत्या हो गई, किसान मर गया तो उसे 5 लाख रुपए और मिल जाते हैं। किसान की महंगाई और उसके पीछे की आत्महत्या आपको नहीं लगता है एक कारण है? कोई महंगाई से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, हम लोगों को सब चलता रहता है। हमारी फसल 20 रुपए किलो मूँगफली बिकती थी, आज 80 रुपए, हमको महंगाई है कि हमको तो मजा आ गया। आप बताइए। नहीं, जो पारिवारिक कई ऐसी हत्याएं भी हो जाती हैं जो पारिवारिक प्रताड़ना के कारण किसी से कह भी नहीं सकते, उसको किसान के रूप में दे देते हैं, लेकिन मेरे समझ से किसान आत्महत्या तो नहीं करता, इतना बुजदिल भी नहीं होता किसान के किसान बराबर कोई मुसीबत झेल ही नहीं सकता, हत्या कैसे करेगा? आत्महत्या करने का तो सवाल ही नहीं होता, उसको तो रूप दे दिया जाता है कि आत्महत्या कर ली किसान ने। मेरी समझ आपको ऐसा नहीं लगता कि किसानों की बढ़ती हुई समस्याओं को लेकर किसान आत्महत्या? समस्या तो है, ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा किसान बराबर मुसीबत कोई झेल ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा मुसीबत झेलता है तो किसान, किसान के अलावा कोई नहीं झेलता। सरकारी कर्मचारी है उसको तो महीने पे वेतन मिलती है, पता चला ओले पड़ गए राधे राधे, साल भर के लाने खेल खत्म, मजदूरी के उस बराबर मुसीबत कोई झेल ही नहीं सकता। लेकिन हाँ ये जरूर पक्की बात है कि आत्महत्या कभी नहीं कर सकता किसान। जी आपका इस विषय पर क्या कहना है? किसान से बड़ा कोई दिलेरी नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं या नहीं? किसान हमारे क्षेत्र में नहीं किया, कहीं किया करता हो तो पता नहीं है, जैसे हमारे क्षेत्र में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, जब से हमने होश संभाला 50 साल की उम्र होने जा रही है, आज तक ऐसा समय नहीं आया किसान ने हमारे क्षेत्र में किसी ने आत्महत्या की नहीं है, लेकिन मतलब पैसे के चक्कर में जो उसको आत्महत्या का रूप दिया जाता है, किसान ने आत्महत्या कर ली। आप बताइए आपको कुछ कहना है इस विषय पर? सर का पैसा ही नहीं मिली ही में तो 40 पैसा नहीं। क्या आपको लगता है कि इस बार भी बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि कुछ ही महीने पश्चात चुनाव का माहौल फिर से बन रहा है और हो सकता है कि शायद चुनाव हो, तो आपको लगता है कि क्या फिर से वही सरकार आएगी? आएगी जी। आप बताइए। बुलाएगी जी। जी आप बताइए। आ सकती है, लेकिन रही बात जा कि बा माहौल से नहीं, नारी जो माहौल से भी आगे बढ़ रही थी, फर्क तो है। सरकार ने पेंशन है इसी के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गढ़े और देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24।